सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कांग्रेस के सरकार बनने पे यहाँ पे, और शुभकामनाएं मकर संक्रांति और लोहड़ी को लेके। सर, आपका क्या कहना है अभी जो CAA और NRC को लेके बहुत बड़े पैमाने पे, जहाँ रांची में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट, और फिलहाल के कई जगहों पे सेक्शन 144 लगा दिया गया है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सभी को, मैं जो आपके दर्शक भी हैं सबको, मैं मकर संक्रांति की शुभकामना देना चाहता हूँ, लोहड़ी की शुभकामना देना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि CAA, NRC, CAP ये एक सरकार का जनता को आंखों में धूल भोंकने वाला कानून लाया गया है। पहली बात, सरकार सभी पक्ष पे नाकाम रही है, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो। इतना बड़ा रिसेशन चल रहा है देश में पूरे, और सरकार सभी जगह विफल हो चुकी है, और सरकार देख रही है कि हम किसी ना किसी तरह ऐसे ऐसे मुद्दे लाएं जिसके चलते कि लोगों का ध्यान भटके, और इसको एक सांप्रदायिक रूप देने की भी बात हो रही है, चाहे हिंदू मुसलमान की बात हो, चाहे वो किसी की भी बात हो, इसको बांटने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ है कि समझने की बात है कि CAA, NRC और CAB है क्या, पहली बात। दूसरी बात कि जो इतना प्रदर्शन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं देश के जनता के लोगों के अंदर में इस कानून के लिए रोष है कि हम को वोटिंग देने का राइट्स है, हम यहाँ जन्मे, हमारा आधार कार्ड को आप सारे से लिंक करने की बात कर रहे हैं, और उसके बाद फिर इधर बात करते हैं NRC की, CAP की। और दूसरी तरफ ये सरकार, झारखंड की बात ले लीजिए, झारखंड में करीब करीब मुझे लगता है कि 27 लोगों की भूख से जान चली गई, उसकी सूद लेने वाला कौन है? ये बोलते हैं जो लोग बाहर से आए हैं पहले उनको हम बसाएंगे, उनको हम नागरिकता देंगे। पहले मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि पहले देश के लोगों को तो आप रोजी रोजगार दे दीजिए, रोटी दे दीजिए, भूख से न मरे। किसानों को तो उनका धाम दे दीजिए, जो उपचार है उनको आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और एक नए नए कानून लाकर कहीं ना कहीं जनता के ध्यान को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, युवाओं को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन था आपका कि यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं, 144 लगा दिया गया है। सरकार अपने स्तर पर जो भी कर सकती है कर रही है, हम ना सरकार के बीच में है ना कानून के बीच में है, पहली बात। दूसरी बात कि प्रदर्शन करना सभी का हक है, और उनको करना भी चाहिए, चाहे वो पक्षी हो चाहे विपक्ष के हो। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने मानव श्रृंखला देखा रोड में, मुझे लगता है परसों की बात है, मानव श्रृंखला बना के ये लोग जय श्री राम वंदे मातरम का नारा दे रहे थे। भगवान को आप क्यों पॉलिटिक्स में लाते हैं? सबसे बड़ी बात, भगवान को क्यों लाते हैं? NRC सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सिर्फ सिखों के लिए नहीं है, वो सारे हिंदुस्तानियों के लिए है। सभी को NRC में जाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि जब असम में सरकार बनी थी BJP की, तो वहाँ NRC लागू किया गया था, और 19 लाख लोगों को ये लोगों ने डिटेक्ट किया था कि ये लोग NRC के तहत आते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसमें 16 लाख हिंदुओं का NRC पाया गया, मतलब वो लोग के पास नागरिकता नहीं थी, उनके पास कोई सबूत नहीं था NRC का, तो उन लोगों को प्रताड़ित होना पड़ा सरकार के कारगुजारी के कारण। तो कहीं ना कहीं लोगों में रोष है इसके प्रति। सरकार सिर्फ नए नए मुद्दे लाकर, नए नए कानून लाकर लोगों के आंखों में धूल झोंकना चाहती है, लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है कि वो रोजगार की बात नहीं करें, वो भूख की बात नहीं करें। आपको मालूम होगा कि कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह जी के टाइम में खाद्य सिक्योरिटी बिल लाया गया था। आज वो खाद्य सिक्योरिटी बिल का क्या हो गया, क्या हो रहा है? खाद्य सुरक्षा कानून का क्या हो रहा है? सरकार को बताना चाहिए कि आपने उस पर क्या किया है। अगर वो उस पर काम किया होता तो इतने लोगों की भूख से जान नहीं जाते। आपको पता होगा मनरेगा से इतना रोजगार दिया गया उस समय, इन लोगों ने कहा मनरेगा को लोगों ने खत्म करने का प्रयास किया। आज लोग बेरोजगार हैं, कोई उग्रवाद की ओर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, भटक गए हैं लोग कहीं ना कहीं। जब काम नहीं रहेगा, रोजगार नहीं रहेगा, तो लोग भटकेंगे। तो इस पर हम को सोचना पड़ेगा, गंभीरता से इसका अध्ययन करना पड़ेगा कि हमारा देश आज कहाँ जा रहा है। हम युवाओं को सोचना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या दे कर जाना चाहते हैं आज देश के लिए। और जहाँ तक बात है कि इनके प्रदर्शन की खिलाफ में, कि भाई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं CAA और उसके समर्थन में ये लोग जो लोग आ रहे हैं, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों ने कब प्रदर्शन किया था कैब के लिए?
कब सीए सीएबी के लिए किया था, कब सीए के लिए, एनआरसी के लिए, कौन से इसके संगठन ने वहां पर जो प्रदर्शन किया था जिसके कारण ये कानून लाया गया है? मांग की होगी ना कभी? ऐसा कोई है आपके पास? किसी के पास नहीं होगा इनके पास। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए युवाओं को, मैं फिर से बोलूंगा कि युवाओं को जो है मुख्य मुद्दे से भटकाने के लिए ये लोग इस तरह के छल प्रपंच करते रहते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि आज के हमारे देश के युवाओं को चाहिए कि आप इसको जो है गंभीरता से लें और इसको जातिवाद धर्मवाद के नाम पर नहीं देखते हुए हिंदुस्तान की स्थिति को देखते हुए निर्णय लें कि हमको किस चीज़ का समर्थन करना है और किस चीज़ का समर्थन नहीं करना है। सर, युवाओं का बात रहा तो जैसे कि युवाओं भी जेएनयू में, अलीगढ़ में सब लोगों ने प्रदर्शन किया, पर हमने देखा कि किस तरह से उनकी आवाज़ों को दबाया गया। देखिए, जेएनयू की बात हो, जामिया की बात हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात हो, कहीं की भी बात हो, आप एक चीज़ जानिए कि ये देश के सर्वोच्च संस्थान रहे हैं और हैं। वहाँ से बहुत से लोग, विद्वान लोग पढ़ के निकले हैं और बहुत अच्छे जो सिलेक्टेड लोग वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए। आज देश को एजुकेशन की ज़रूरत है तो वहाँ पर एजुकेशन को महंगा किया जा रहा है, जेएनयू में फीस बढ़ा दी गई। एक तरफ हम शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं, मुफ्त शिक्षा देने की बात करते हैं, और एक तरफ आप जो हैं शिक्षा को एक व्यवसायीकरण की ओर ले जा रहे हैं, अनलिमिटेड पैसे बढ़ा दिए जा रहे हैं, क्या है ये? जहाँ तक प्रदर्शन करने की बात है तो उनका अधिकार है, वो पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि इस कानून के अंदर में क्या क्या चीज़ है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, मुझे लगता है जो लोग कानून को नहीं जानते हैं कि क्या होने जा रहा है देश में, वही लोग किसी इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं। जो लोग पढ़े लिखे होंगे वो कभी भी ऐसे कानून का समर्थन नहीं करेंगे। पॉलिटिकल ट्रेंड्स के सभी दर्शकों को और झारखंड के सभी झारखंड वासियों को, देशवासियों को हमारे गणतंत्र दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई। हमारा देश तरक्की की ओर बढ़े यही कामना करता हूं और हमारा गणतंत्र जो है वो मजबूत रहे इसी की कामना करता हूं और पुनः आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।